दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से साइबर क्रिमिनल आपके मोबाइल नंबर को किसी एक नए ब्लैंक सिम कार्ड में एक्टिवेट करके आपके साथ साइबर फ्रॉड कर सकते हैं? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि साइबर क्रिमिनल्स आपके सिम कार्ड को क्लोन करके आपको लूट सकते हैं और आपको साइबर फ्रॉड का शिकार बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये फ्रॉड कैसे होता है और आप ऐसे फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे साइबर क्रिमिनल्स सिम कार्ड क्लोनिंग की मदद से आपको साइबर फ्रॉड का शिकार बनाते हैं और आप ऐसे फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि सिम कार्ड क्लोनिंग कैसे होता है और साइबर क्रिमिनल्स इस फ्रॉड को कैसे अंजाम देते हैं। इस फ्रॉड में सबसे पहले साइबर क्रिमिनल के पास एक ब्लैंक सिम कार्ड, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ऐसा एक ब्लैंक सिम कार्ड पहले से ही साइबर क्रिमिनल के पास मौजूद होता है, जो कि वो एक रिटेलर से, जो कि उसी गैंग का एक मेंबर होता है, उससे ले लेता है। उसके बाद साइबर क्रिमिनल किसी एक व्यक्ति को कॉल करता है जो कि उसका टारगेटेड विक्टिम होता है। उसे कॉल करके साइबर क्रिमिनल ये कहता है कि मैं आपकी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बोल रहा हूँ और हमें आपके सिम को अपग्रेड करना है या फिर आपका KYC या फिर आपका आधार कार्ड अपडेट करना है। इस वजह से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर आपको एक SMS आया होगा जिसमें कि एक 16 डिजिट का नंबर होगा, वो आपको हमें इस नंबर पे फॉरवर्ड करना होगा। वो 16 डिजिट का नंबर और कुछ नहीं बल्कि किसी भी सिम कार्ड के पीछे लिखा हुआ उस सिम का नंबर होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब उस 16 डिजिट के नंबर को, सिम नंबर को, जो विक्टिम होता है वो तुरंत ही उस साइबर क्रिमिनल को फॉरवर्ड कर देता है दिए गए नंबर पे, ये सोच के कि सामने वाला व्यक्ति सच में कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, ना कि साइबर क्रिमिनल। अब जैसे ही साइबर क्रिमिनल के पास विक्टिम के सिम का नंबर आ जाता है, वो तुरंत ही बाकी की प्रोसीजर खत्म करके विक्टिम का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपने उस नए ब्लैंक सिम कार्ड के ऊपर एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि विक्टिम का ओरिजिनल सिम कार्ड जो भी होता है वो काम करना बंद कर देता है। और ऐसे ही साइबर क्रिमिनल के पास विक्टिम का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उसके सिम ब्लैंक सिम के ऊपर एक्टिवेट हो जाता है। और अब ऐसे ही साइबर क्रिमिनल के पास विक्टिम के मोबाइल नंबर से लिंक्ड किए गए सारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स पहुंच जाती है और वो बड़ी ही आसानी से विक्टिम के सारे बैंक अकाउंट जो कि उस मोबाइल नंबर के साथ लिंक है उनसे पैसे बड़ी ही आसानी से ट्रांसफर कर सकता है। इसी चीज़ का फायदा उठा के साइबर क्रिमिनल बड़ी ही आसानी से विक्टिम के बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेता है और विक्टिम को साइबर फ्रॉड का शिकार बना देता है। हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि ऐसी सिम स्वैपिंग या फिर सिम क्लोनिंग जैसी एक्टिविटी साइबर क्रिमिनल्स के लिए करना बड़ा ही आसान होता है, इसलिए आपको हमेशा ऐसी चीज़ों से सतर्क रहना चाहिए। तो अब ये जानने के बाद कि साइबर क्रिमिनल इस फ्रॉड को कैसे अंजाम देते हैं, आइए ये जानते हैं कि इस फ्रॉड से हम कैसे बच सकते हैं। इस फ्रॉड से बचने के लिए सबसे पहला तरीका है कि आपके सिम कार्ड के पीछे लिखा हुआ सिम नंबर साइबर क्रिमिनल्स के लिए बड़ी अहम जानकारी होती है आपके सिम को क्लोन या फिर स्वैप करने के लिए। इसलिए आप ये सिम नंबर किसी के साथ कभी भी ऑन कॉल या फिर SMS के द्वारा शेयर ना करें। इस फ्रॉड से बचने के लिए दूसरा तरीका है कि कभी भी आपका मोबाइल नंबर बहुत देर तक, यानी कि 3-4 घंटे से ज़्यादा आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता या फिर आपका मोबाइल नंबर आउट ऑफ रेंज दिखाता है, तो आपको तुरंत ही अपने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से कॉल पे बात करनी चाहिए या फिर उनके सर्विस सेंटर पे जाना चाहिए और इसके बारे में पूछताछ करनी चाहिए कि मेरा नंबर इतनी देर से बंद क्यों दिखा रहा है। और अगर सच में कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है या नहीं है वो आपको जानना चाहिए, और अगर प्रॉब्लम है तो उसे शॉर्ट आउट करनी चाहिए। इस फ्रॉड से बचने के लिए तीसरा तरीका है कि आपको हमेशा अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए SMS अलर्ट और ईमेल अलर्ट दोनों के लिए रजिस्टर हमेशा करना चाहिए, ताकि अगर आपका सिम कार्ड डीएक्टिवेट होता है और आपको SMS अलर्ट आना बंद होता है, फिर भी अगर आपका ईमेल अलर्ट के लिए रजिस्टर होगा तो आपको ईमेल के द्वारा भी अलर्ट्स मिलते रहेंगे।
इस फ्रॉड से बचने के लिए चौथा तरीका है कि आपको कभी भी आपके टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का कॉल आता है जो कि आपको कहता है कि हम आपके सिम को अपग्रेड करना चाहते हैं और आपके मोबाइल नंबर पर आया हुआ SMS हमें फॉरवर्ड कर दीजिए, तो आप कभी भी ऐसा ना करें। बल्कि ऐसे अपग्रेडेशन के लिए आपको हमेशा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के स्टोर को विजिट करना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इस वीडियो से क्या कुछ सीखने को मिला है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हमारा वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे फ्रॉड से अलर्ट रहें। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही नए किसी फ्रॉड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।